हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बची हुई रोटी के गुलाब जामुन की रेसिपी बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, और बहुत ही अच्छे बने हुए थे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, तो आप बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। तो आप देख रहे हो मेरे जो गुलाब जामुन है कितने अच्छे सॉफ्ट बने हुए हैं, अंदर तक इसमें चाशनी गई हुई है। तो ये देखिए ऐसे ही बनेंगे, तो आप भी ज़रूर ये वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं चार रोटी ले ली हूँ, जो रात की रोटियाँ थी वो बच गई थी, तो इसको तो पहले हम तोड़ के इसका ब्रेड क्रम बना लें। मतलब क्रम नहीं बनाना, बारीक पाउडर करना है जितना बारीक हो सके। तो मेरे में मतलब इतना मैं बारीक कर ली हूँ इसको। अब इसमें हम एक स्पून डाल देंगे, बड़े वाले स्पून में मिल्क पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम दूध डाल के थोड़ा सा पहले रख देंगे फूलने के लिए, क्योंकि जो रोटी है वो अभी बारीक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब करेगी। उसके लिए हम इसको अभी थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे फूलने के लिए। तो उधर मैं जब तक चाशनी बना लूँगी इसका, तो ये इसको हम रख देते हैं। और इधर चाशनी बनाने के लिए हम इधर लेंगे एक कप शक्कर और एक कप पानी, इसमें अच्छे से उबाल आने तक हम पकने देंगे। तो ये देखिए जो चाशनी है वो हो गई है, तो इधर हम गैस को अब बंद कर देंगे। ये हमें ऐसी चाशनी चाहिए चिपचिपी हुई। और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम ली थी जिसको मैं कट कर ली थी, तो इसी में हम थोड़ा चाशनी डाल देंगे, क्योंकि इसका स्टफिंग बनाएंगे हम, जो गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें अंदर डालेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है, तो बस इसको हम अच्छे से अब गूंथ लेंगे आटे को। तो ये देखिए थोड़ा सा हाथ में हम घी लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिपक रही थी, जो आटा था वो चिपक रहा था। तो ये आपको बहुत ही अच्छे ध्यान देना है, आटे को बहुत ही ज़्यादा मसलना है और सॉफ्ट बनाना है आटे को, मतलब सॉफ्ट गुथना है। उसके बाद इधर मैं ले लेती हूँ अब एक लोई। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें अंदर मैं जो ड्राई फ्रूट्स ली हूँ ना, इसको मैं अंदर डालूँगी। इससे क्या होता है, अगर आप अंदर कुछ भी स्टफिंग करो ना, तो जो चाशनी होती है बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाती है। तो सारे रसगुल्ले को हम मतलब गुलाब जामुन को ऐसे ही बना लेंगे। तो मैं ऐसे गोल बना रही हूँ, तो ये देखिए तो बस ऐसे ही हम बना लेते हैं। अब इधर जो प्रोसेस रहेगा वो फ्राई करने का, तो वो तरीका भी आपको बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए कि कैसे हम फ्राई करते हैं, जो चाशनी होती है गुलाब जामुन में अंदर तक क्यों नहीं जाती है, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगी। और ये जो चाशनी था हमारा, उसमें मैं अच्छे से मतलब उसमें मैं वो डाल दी हूँ इलायची पाउडर। तो आप देख रहे हो तेल इधर मीडियम फ्लेम पे रखना है, और इधर मैं पहले तो 5 डाली थी, और इसको बहुत ही अच्छे से घुमाते चलाते हुए हमें पकाना है, मतलब गोल्डन कलर का होने तक पकाना, और बहुत ही धीमी आंच में पकाना है, ज़्यादा गर्म मत करना तेल को। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ऊपर से वो पक जाता बट अंदर कच्चा रहता है, इसलिए वो चाशनी फिर अंदर नहीं जाती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है। मैं बहुत टाइम लगा मुझे ये पकाने में, मतलब आपको इसमें बहुत ही टाइम देना है पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए जो गुलाब जामुन है। तो चाशनी को भी मैं गरम कर ली थी क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। तो उसके सारे हम इसमें डाल देंगे गुलाब जामुन अपने, और थोड़ा सा उबालेंगे थोड़ा सा। तो ये देखो अभी ऊपर ये तैर रहे हैं क्योंकि हल्के हैं, फिर ये जब इसमें चाशनी अंदर तक चली जाएगी तो ये भारी हो जाएंगे, तो नीचे चले जाएंगे। तो बस ये उबाल आ गया, गैस को हम बंद कर देंगे और करीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे, जिसे बहुत ही अच्छे से फूल जाए इसमें। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।